उपसभापति महोदय, राजस्थान के कोटा में और इस वर्ष 26वां आत्महत्या की घटना घट चुकी है। पिछले एक साल में और आत्महत्या की 26 घटना और कोटा राजस्थान में घट चुकी है, और ये केवल इसी वर्ष नहीं, पिछले 5-6 वर्षों में प्रति वर्ष 25 से 30 नौजवान और आत्महत्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो IIT, IIM, NIIT और जो देश के सर्वोच्च इंजीनियरिंग संस्थान हैं, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर भी प्रति वर्ष बड़ी संख्या में नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार के लिए चिंता का विषय, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान आत्महत्या करने के लिए क्यों बाध्य हो रहे हैं। कोटा राजस्थान में जो लड़के मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए आते हैं, उन पर इतना प्रेशर होता है, इतना दबाव होता है उत्तीर्ण होने के लिए, कि वो लोग आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और उसी प्रकार IIT, IIM वगैरह जो उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, वहाँ पर भी बढ़ती हुई आत्महत्या की घटना ये चिंता का विषय है। मैं सरकारों से ये मांग करता हूँ कि एक तो एक आयोग का गठन किया जाए, जो इस बात की जांच करे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान कोचिंग संस्थानों में आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, उनकी बहाली की जाए, ताकि वैसे लड़के जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी वो काउंसलिंग कर सके। ऐसे केंद्रों में मेंटल हेल्थ क्लिनिक की भी स्थापना की जाए, ताकि जो लड़के डिप्रेशन में हैं, वो लड़के वहाँ जाकर अपना इलाज करा सकें या काउंसलिंग प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ जो IIT, IIM वगैरह के जो कोर्सेज हैं, खास करके कोचिंग के, उसके बारे में पुनर्विचार किया जाए, कि इतना प्रेशर है और इस प्रकार का कठिन सिलेबस है कि उसको उत्तीर्ण होना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो सरकार को उसके पूरे सिलेबस को भी रीडिज़ाइन करने के बारे में विचार करना चाहिए, और ख़ास करके कोटा और अन्य कोचिंग संस्थानों में हर किसी का जो नामांकन हो रहा है पैसे के लिए, कोचिंग संस्थान जो भी लड़के वहाँ पर आते हैं उनका वो एडमिशन ले लेते, चूँकि उससे उनको पैसा मिलता है, तो उसके बारे में भी और रोक लगाई जाए। जो बहुत मेधावी छात्र हैं, जो